गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो परसों से की 5 तारीख से एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कालो और गोरो का मैच, वैसे ऐसा कहना शायद ठीक भी नहीं होगा। बात करते हैं सीरीज से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वैसे देखा जाए तो ये सीरीज जो है ना, ये स्टार्ट हो रही है एक तरह से प्रिपरेशन। ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रिपरेशन कर रहा है इस समय, सभी टीमें ना प्रिपरेशन मोड में है। और वैसे प्रिपरेशन मुझे पता नहीं टीमों की चल रही है या ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी चल रही है। वो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बड़ा एक मेला आने वाला है, उससे पहले जेब अपनी भर रहे हैं वो, कि अगर उस मेले में कुछ ऊझ नीच हो जाए तो उनको वो दिक्कत ना आए। खैर चलो, हमारा काम है इस वीडियो के बारे में बात करना, तो फटाफट से बात करते हैं इस सीरीज से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले स्क्वाड की बात करते हैं। देखो मैं इस सीरीज के अंदर ना वेस्ट इंडीज के स्क्वाड का प्रीव्यू करूंगा, ना सिर्फ इस सीरीज के लिए बल्कि इस वर्ल्ड कप के लिए भी। इनके बारे में ज्यादा बोलने कुछ है नहीं, सीधी सीधी बात है कि इनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। चलो फटाफट पहले बात कर लेते हैं टीम की। तो पूरन कप्तान है, 2016 में मैंने इस बंदे को पहली बार देखा था, और मैंने मतलब अपने दोस्तों से प्रेडिक्शन में कहा था कि ये जबरदस्त हिटर है। एक टाइम में लोग रसल को भूल देंगे इसके आने से, और ये वाकई में एक जबरदस्त हिटर है। आज के टाइम में रसल तो क्या चलता है नहीं, कभी कभार चलता है। पहली बैटिंग आती है तब, जब ऊपर के बल्लेबाज फोड़ चुके होते हैं, 100 पे 1 होता है तब वो आता है, तब बल्ला बजा के जाता है वो। अदरवाइज तो कभी तो बल्ला बजाते नहीं, चेज में आपको चाहिए हो 5 में 60 कभी नहीं मारेगा वो। ठीक है, जो बंदा खाएगा उसके चक्कर में वो तो मरेगा मरेगा। और जो बंदा ये भी नहीं सोच सकता कि यार चलो इसमें 50 पैसे का भाव मिल रहा है, लॉस नहीं काटता हूँ, उसकी फाड़ कर देते हैं वो लोग। ठीक है, वो 50 में लॉस काटता है बेचारा। खैर चलो, निकोलस पूरन कप्तान है, रोमन पोवल इनके उप कप्तान है। ये मुझे रोमन पोवल कोई खास पसंद नहीं है, जब भी देखा है मैंने इनको। एक मैच में तो ऐसे खेलेंगे बिल्कुल ही अलग हाल में, अदरवाइज तो फुली फ्लॉप। यानी कैरियर नए स्पिनर आए हैं, कोई खास कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में? अरे भैया भूल जाओ, क्या मजाक कर रहे हो यार। जोसन चार्ल्स अचानक से टीम में आ गए हैं, भगवान जाने, पर्ची पर्ची वाली बात हो गई है इनके साथ भी, तो मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं। शेल्डन कोटरल बहुत मार खाने वाले हैं, शुरू के 2 ओवर जो होंगे पावर प्ले में इनके, उसमें बच गए तो बच गए, अगर लास्ट में 2 ओवर पड़े ना ये तो 30 रन कम से कम खाएगा ये बंदा लास्ट के 2 ओवरों में, अच्छी टीमों के सामने मतलब। तो ये तो खैर महापिटाऊ बोलर है, इसको हमारे तेवतिया ने ही इसका ओम तेवतिया नामा कर दिया था। तो आप सोच लो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे या बाकी टीम क्या करेंगे इसका। शिमरन हेटमायर एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, पर शायद पॉलिटिक्स चल रही है डोमेस्टिक में, इस वजह से इनको बाहर किया जाता है। जो खिलाड़ी इंडिया में आके इंडिया को धो दे, एक बार नहीं 2 या 3 बार धो दे, सेंचुरी लगाए चेन्नई में लगाए, यार उसको आप टीम से बाहर कर देते हो। ये वेस्ट इंडीज का मैनेजमेंट है। जेसन होल्डर एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैट बॉल और लंबे कद के हैं, तो फील्डिंग में भी आपको हर तरह से वैल्यू देते हैं, तो मेरे ख्याल दुनिया की हर टीम में हो सकते हैं। अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, इंडिया में भी की थी और आपका वेस्ट इंडीज में भी करते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे कर पाएंगे? आई डाउट इट, मुझे नहीं लगता। हाँ कोई ऐसी टीम हो जिसके पास ऊपर के 6 में से 4 या 5 राइट हैंडर हो तो ये जरूर थोड़े काम आपके आ जाएंगे, अदरवाइज अगर जहां लेफ्ट हैंडर हुए इनको कोई छोड़ेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर, आप देख लेना मेरी बात। अलजारी जोसफ ये ऑस्ट्रेलिया पिचों पर अच्छा करते आपको मिल सकते हैं। ब्रैंडन किंग ओपनर हैं और ठीक ठीक प्लेयर है, मैं इनको बहुत हाईली रेट नहीं करता। अगला प्लेयर आता है एविन लुई, इसको मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, इंजरी कारण बाहर रहता है ये। T20 में ना मैंने बहुत कम बल्लेबाज ऐसे देखे हैं जो एट विल सिक्स मार सकते हैं, यानी कि उनका मूड आया ना इस बॉल पे तो वो छक्का मारते हैं, तो ये उनमें से एक है। आपने कभी देखा होगा उसके बैटिंग को ऑब्जर्व करना कि खड़ा रहेगा 4 बॉल डिफेंड करेगा, 5वीं छक्का मार देगा, एट विल छक्का मार देता है बंदा, बैक फुट फ्रंट फुट दोनों से, तो जबरदस्त प्लेयर है नो डाउट। ऐसे प्लेयर मैंने देखे थे, क्रिस गेल भी ऐसे प्लेयर थे, हमारे युवराज सिंह भी ऐसे प्लेयर थे, मिस्बा ओलक भी ऐसे प्लेयर था, तो ये कुछ प्लेयर थे जो मैंने देखे हैं कि जो एट विल सिक्स मार सकते हैं। काइल मेयर्स ओपनिंग करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग में तो पिटाऊ में खैर, लेकिन बैटिंग में ये अच्छी बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि काफी समय से। ओवर्ड मैकोय महापिटंतु बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी धुलाई हो जाएगी भी अच्छे से। रेमोन रिवर ऑलराउंडर है, कोई कोई उम्मीद नहीं मुझे इनसे। सेम अबाउट ओडियन स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास कर पाएंगे? आई रियली डाउट इट। ऑल इन ऑल एक बकवास सा स्क्वाड है। इनके प्लेयर रसल नहीं खेले ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पोलार्ड नहीं खेले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नारायण क्यों नहीं है वर्ल्ड कप की टीम में? आपके पास नारायण नहीं है तो ये भैया मेरी समझ से बाहर बात है, इनको नारायण को कैसे भी करके खिलाना था।
इनको बैटिंग बॉलिंग दोनों में वैल्यू देता वो बंदा इनको। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े होते हैं और वहां पे एक ऐसा स्पिनर फिंगर स्पिनर जिसको बैट्समैन आज भी बहुत से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसका होना इनको बहुत एडवांटेज देता। अब नहीं है तो मैं आपको बताऊं, मुझे वेस्ट इंडीज स्क्वाड से वर्ल्ड कप में कोई उम्मीद नहीं है। ये टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाए तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात हो जाएगी, क्योंकि इनसे बेटर टीमें वहां पर है। हाँ, ये एक काम करते हैं, मिल सकते हैं आपको, अगर बैटिंग पिच पे इनके बैट्समैन खड़ा रहेगा ना कोई भी, जैसे आपको पॉवेल है, पूरन है, हेटमायर है, ठीक है, या ऑडियन स्मिथ है, कोई ऐसा बल्ला इनका चल गया तो ये आपको जैकपॉट दे सकते हैं, तो उसके लिए आप इनको नजर रखिएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड की, तो भैया इनके बारे में क्या कहें, अभी दो टीमें जो ये आपस में खेल रही हैं कोई मुकाबला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं कह रहा हूँ, ए बी सी डी टीम भी खेलेगी शायद वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया में, वो भी हरा देगी। ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, और इन्होंने सारे खिलाड़ी वापस भी बुला लिए। अब ये सीरीज मेरे ख्याल से अपनी फुल फ्लो प्रैक्टिस इनकी जो होगी वो यही होगी, इसके बाद इनकी हारेगी इंग्लैंड से भी सीरीज है। तो वार्नर वापस हैं, फिंच वापस हैं, और मार्श भी वापस आ चुके हैं, स्टोनिस भी वापस आ चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है स्टोनिस आ चुके हैं, इसमें स्टोनिस का नाम नहीं है, मेरे ख्याल से स्टोनिस भी टीम में आ चुके हैं, वी नीड टू चेक, मेरे ख्याल से स्टोनिस टीम में आ चुके हैं वैसे। तो फिंच आपको इस सीरीज में करता हूँ अच्छा मिलेंगे मेरे हिसाब से, और अब वो रिटायर हो रहे हैं तो माफिया इन्होंने गिफ्ट भी देना है, ठीक है, उन्होंने इतनी सेवा की है माफिया की 2-3 साल से भी, और माफिया ने भी उनको दिया है बंदे बहुत कुछ, टीम में बने रहे वो बिना कुछ करे भी, और ऑस्ट्रेलिया सिटी के कप्तान बनना बिना कुछ करे कमाल की बात है। वैसे आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, टेम्बा बाउमा कप्तान बने हुए, जिनकी टीम में जगह नहीं बनती वो बंदा कप्तान बना हुआ है, हालांकि वो एज ए कैप्टन अच्छा है लेकिन वो बंदा टीम में जगह हासिल नहीं करता प्राइमरीली, तो ऐसे कैप्टन कोई मतलब नहीं है, सेम बात है। तो इनकी टीम के बारे में ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, वीडियो को छोटा रखूंगा, ये टीम एक तरफा है वेस्ट इंडीज के कंपेरिजन में। 2 मैचों की सीरीज है, एक मैच मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया सीधा जीतेगी, और दूसरा मैच में ये चांसेस हैं कि वेस्ट इंडीज शायद आपको पलटा मिल जाए और वहां से ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, इतनी सी बात है बस। वेन्यू होंगे दो, एक करारा ओवल क्वींसलैंड, दूसरा द गाबा क्वींसलैंड, दोनों मैच क्वींसलैंड में है लेकिन क्वींसलैंड में 2 ग्राउंड है, और जो पहला ग्राउंड है करारा ओवल ये एक एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड है, इसको आप बोल सकते हो 160-170 का ग्राउंड है जो ट्रेडिशनली बिग बैश में देखा गया है। द गाबा जो है वो एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले इनके पीछे पड़ गए हैं वेस्ट इंडीज के तो घर तक छोड़ के आएंगे, जैसे कल इंडिया वालों ने छोड़ के आए हैं वेस्ट इंडीज वालों को, ठीक है। बाकी भेज दो कल कुछ भी देते हैं वो लोग, पिच का देख लेना आप, हिस्टोरिकल स्टैट्स आज के टाइम में कोई मायने नहीं रखते, मेरे मतलब मायने से मतलब ये कि वो उस दिन क्या करवाना है, उन्हें कुछ कोई सिस्टम नहीं है आज के टाइम में। जो कल आपने देखा वो एक अलग ही बात थी कि एक नॉट सो हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे, नॉट सो हाई स्कोरिंग ग्राउंड में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल फर्स्ट इनिंग में बॉल रुक के भी आ रहा था, नीचे भी रह रहा था, ठीक है, और फिर भी 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के होते हुए इतना जबरदस्त स्कोर बन गया, तो आज के टाइम में कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। आप बोल सकते कि ये ग्राउंड ऐसा है वैसा है, आपको उस दिन डिसाइड करना है। अच्छा गाइस, ये मेरा लिंक्स है, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक्स है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर दूंगा। बाकी अगर आपसे लिंक से ज्वाइन ना हो पाए तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बात करते हैं सीरीज और वेस्ट इंडीज की टी20 वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन की, तो जैसे कि हम सब जानते हैं पहला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है अपने घर में और वो सीरीज मेरे हिसाब से जीत जाएगी। बाकी भी हम आपका कुछ कह सकते हैं, आज के टाइम में कोई भरोसा नहीं, जिम्बाब्वे का हरा सकते हो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे में, तो फिर वेस्ट इंडीज भी हरा सकती है उस पॉइंट से देखोगे तो। दूसरी बात, वेस्ट इंडीज के पास बहुत ही घटिया बॉलिंग अटैक है, इनका जो मैनेजमेंट का इश्यूज है, प्लेयर जो है वो पैसे को कंट्री के ऊपर रखते हैं, हालांकि वो हर देश के रखते हैं, हमारे भी इंडिया में कहीं अच्छा पैसा मिलता है और ट्रोल हो जाएंगे देशभक्ति के ऊपर, लोग पेल लेंगे उनको, अदरवाइज तो यहाँ के लोग भी यही है कि पैसा चाहिए भैया, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। बड़ी शोर को छोटा करने के लिए मैं सीधी बात कहूंगा, वेस्ट इंडीज टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करेगी, अगर इनफैक्ट क्वालिफाई क्या करना है इनको, मैच से मैच हार जाना है अपने, जब भी अच्छी टीम से खेलेंगे मेरे ख्याल से मैच हार देंगे, क्योंकि तो ये ना एक तरह की फॉर्मेलिटी करने के लिए मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको भी ऐसा कॉन्फिडेंस है, इनको ऐसी उम्मीद है, इनको ऐसा विश्वास है, या इनकी ऐसी इच्छा भी है कि ये वर्ल्ड कप में जीते हैं आगे जाके, आई डोंट थिंक सो, पूरी तरह पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड को मैं क्रिकेट बोर्ड भी नहीं कहूंगा, क्लब का बोर्ड कहूंगा मैं, क्लब का बोर्ड, ठीक है, उसकी कोई औकात नहीं है, सॉरी टू से दैट वर्ड, बट ये रियलिटी है के टाइम में। बट मैं एक बात अच्छी कहूंगा कि आपको इस बार वेस्ट इंडीज पर नजर रखनी है, वो आपको अच्छे जैकपॉट देते हुए मिलेंगे, देते हुए मिलेंगे, गिफ्ट करेंगे, एक होता है कि वो जैकपॉट कैश कराएंगे आपको, ठीक
ठीक है, वो नहीं, ये देंगे, आपको उनके खिलाफ बैठना है, कहने का मतलब ये है। तो इतनी सी बात कहते हुए मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू गाइस।